खा रहे हो? मैं प्रॉमिस किया था कि चीज बर्गर खिलाओ, हाँ, वो तुम्हारे तो तुम्हारा रोज का मम्मी प्रॉमिस होता है ना? है? ये चीज बर्गर है ना? मतलब काउंटिंग हो रही है। वाह वाह, क्या खाने का तरीका है। ओहो, अरे वाह। रोटी 2 घंटे लगती है घड़ी देख के, 2 मिनट में खत्म होने चाहिए तो 2 घंटे। इसीलिए तो मैंने घर का चीज, हर चीज घर चीज में ही बनाती हूँ। इसको बाहर का इतना पसंद है फास्ट फूड, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ बाहर का चीज, और उतना ही इसको पसंद है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारा पनीर सैलेड और हर चीज घर का है बना हुआ। मेयोनीज भी है, सारा कुछ घर का बना हुआ है। हेल्दी होना चाहिए क्योंकि इसको ज्यादा पसंद है। मैं ट्राई करती हूँ कि ऑलवेज इसको दो, मतलब फास्ट फूड इतना लाइक है। देख रहे हो गाइस, आप लोग खाने का तरीका इसको ऐसे ही खाता है। और रोटी 2 घंटे 2 रोटी खाने में लगती है। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको वीडियो दिखा दूँ, 2 घंटे काउंटिंग करके इसको लगती है। तब बताओ टेस्ट कैसा आ रहा है? अच्छा, मतलब खाने दो तब बात करूंगा, है ना? इसको सैलेड भी पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारा इसमें दे दिया है, पनीर दे दिया है। इस तरह से अलग से पनीर ये खाता नहीं है, बहुत सारा बढ़िया है ना। मैं डेली ट्राई कर रही थी कि नहीं, बन घर पे ही बना के इसको करूं, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो मैंने मार्केट से लिया है, लेकिन अब से मैं घर पे ही ट्राई करूंगी कि बन भी तैयार कर लूं, है ना। आजकल करते करते फाइनली मैंने आज इसके लिए बना दिया है। रोज थूक प्रॉमिस, घर पे है, वैकेशन है। अरे वाह, चलो एंजॉय करो, ठीक है? और मैं वीडियो में आपको फुल वीडियो बना कर दे। हाँ जी, मोमोज देख रहे हैं गाइस। अगली बार थूक प्रॉमिस, मतलब ना थूक प्रॉमिस चलता है हमारे साथ, मतलब ये बात है। थूक प्रॉमिस मतलब अब थूक प्रॉमिस कर दिए, यानी स्पिटिंग करके, कि मतलब कि इसके ज्यादा बड़ा प्रॉमिस नहीं हो सकता है ना। बहुत तुम इमोशनल टॉर्चर करते हो, है ना। तो मोमोज की बारी है, तो चलो अगली वीडियो में हम लोग मोमोज के साथ आएंगे, है ना। से बाय। म्यूनिज अच्छे से बाहर का फीलिंग आना चाहिए। बाहर का फीलिंग आना चाहिए। अब बताइए आप लोग, बाहर का फीलिंग आना चाहिए म्यूनिज में, तो ठीक है। इसमें मैंने म्यूनिज तैयार किया है, ये तो बाहर का नहीं वो वाली है ना, ये वाली में बाहर की नहीं है, घर की म्यूनिज है, मैंने तैयार किया है। आप इसको खा के देखो, ट्राई करो। म्यूनिज का सॉस के बारे में। हाँ, सॉस मेयोनीज सॉस इसमें मैंने डाला है। आप बाइट तो करो, मैंने फुल वीडियो इसमें दे दिया है गाइस, आप लोग वॉच करना और लाइक और सब्सक्राइब नहीं भूलना, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो आप लोग इसको एंजॉय करने देते हैं और हम लोग वीडियो का फुल मजा लेते हैं। बाय। होममेड मेयोनीज बनाने के लिए हम सबसे पहले फ्रेश क्रीम लेते हैं, एकदम ताजी क्रीम जो कि हमारे दूध पे ऊपर से जमी हुई रहती है, एकदम फ्रेश ले लेंगे। और इसको हम छन्नी से छान लेते हैं क्योंकि वो मोटी परत रहती है, हमें हल्का सा पतला लेना है, दूध के साथ है, ज़्यादा गाढ़ा वाला नहीं, इसीलिए मैं छान ले रही हूँ, नहीं तो ऐसे ज़्यादा क्रीमी क्रीमी लगेगा और दूध का टेस्ट आ जाएगा। इस तरह से हम क्रीमी क्रीमी निकाल लेते हैं। एकदम टेक्सचर बढ़िया सा आ गया है। इस तरह से ऐसे क्या होता है, मोटी परत ये नहीं रहती है, मिली हुई रहती है। चलो हम इसको छान लिए हैं। इसमें अब बटर मिला देंगे जो कि अमूल की बटर आती है, आपको जो टेस्ट के अनुसार 1 चम्मच मिला देंगे क्योंकि ये नमक वाली होती है और इसकी टेस्ट बहुत ही बेस्ट होती है। और 1 बॉयल किया हुआ आलू, इसे चॉप कर लेंगे और इसमें मिलाकर हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं।
ये हमारी होममेड मेयोनीज है, थोड़ी सी नमक मिला देंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि बटर डाले हैं, सॉल्टेड बटर है। अगर हम मेयोनीज़ में थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हैं, लेकिन ऐसे डालना नहीं चाहिए, तो हल्की सी ये काली मिर्च डाल देंगे दो चार, तो स्पाइसी थोड़ी हो जाती है, लेकिन स्पाइसी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी चटनी अलग स्पाइसी है। ये मेयोनीज़ टेस्ट हमारा आ जाएगा, हमारा हो गया है तैयार। अब इसे हम रख लेते हैं निकाल करके। और ये ग्रीन चटनी हमने बनाया है धनिए की, जो कि बर्गर के लिए मस्ट है। ग्रीन चटनी हो गया, मेयोनीज़ हो गया, टमाटर की चटनी हो गई, टोमेटो सॉस, ये सब और टिक्की, ये सब चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है बर्गर के लिए, तो हमने प्रॉपरली बना लिया है। अब हम चलो चलते हैं बनाने टिक्की। तो आलू की टिक्की बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, इसे बॉयल किया हुआ आलू है, इसको अच्छी तरह से मैश लेते हैं, और इसमें आप चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर और स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतना ही मिक्स करो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी स्पाइसी चीज़ अभी तैयार होने वाली है, चटनी भी है, सॉस भी है, सारी कुछ रहती है। हमने कॉर्नफ्लोर मिला दिया, चावल का भी आटा मिला सकते हो, मैदा भी मिला सकते हो, कोई ऐसा ये नहीं है, ऑप्शनल चीज़ है। तीन चार चीज़ में से कोई भी चीज़ आप टिक्की बनाने के लिए तैयार कर लो, आराम से तैयार हो जाता है। अब इसे हम अच्छे से मिला करके बॉल तैयार कर लेंगे और इसे कुकीज़ का शेप देकर हम तल लेते हैं। इस तरह से हम कुकीज़ का शेप देकर टिक्की तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम बन को तल लेते हैं। तो गरम किया हुआ है तेल, और इसमें हम थोड़ा सा कुरकुरा होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको तला हुआ पसंद नहीं है, ऑयली नहीं है, तो कोई नहीं, आप इसको रोस्ट भी कर सकते हो, हल्का सा सेक लेते हैं हम लोग तवे पे, लेकिन हमने इसको ये कर लिया है। आप बटर लगा के सेक भी सकते हैं। टिक्की को तल लेंगे, बढ़िया सा एकदम करारा टिक्की तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से इसको कोई इसमें झंझट नहीं आया टिक्की तलने के लिए। या चाट बनाओ या कुछ भी, तो इस तरह से हम लोग टिक्की बनाए लेंगे ना, तो कोई झंझट नहीं आता है। अब सोचेंगे कि उसमें ये डालो वो डालो तो टिक्की तैयार हो गया, हमसे कभी टिक्की तैयार होगा ही नहीं, इसीलिए सोचा जाए अगर स्पाइसी चीज़ हम लोग डाल रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें हम लोग कम कर देंगे डालना सामान, और फटाफट तैयार हो जाएगा। इस तरह से मेरा बन तैयार हो गया है, तो इसको बीच से चीरा लगा के इस तरह से, क्योंकि इसमें फिलिंग करनी है, कट कर देंगे। अब बहुत सारी चीज़ें फिलिंग की होती है, जैसे कि खीरा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया और पनीर है, और हरी चटनी है, टोमेटो सॉस है, टिक्की है, मेयोनीज़ है, ये सारी चीज़ों को हमें इस बन के अंदर फिल करनी है। और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, ये सारी चीज़ों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अनुसार आप सेट कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले भी चटनी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि फिलिंग के टाइम हम यही डालेंगे। ये टिक्की डाल दिया, ये खीरा है, प्याज है, ये सारी चीज़ें भर के आप डाल सकते हो जितना अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये पनीर है, ये सारी घर की तैयार की हुई है, पनीर हो गया, मेयोनीज हो गया, चटनी हो गया, और ये है घर की बनी हुई मेयोनीज। टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं होगा, एक बार ट्राई करके देखना, कोई अंतर नहीं है।
अगर देखो ये हमने रखा है मेयोनीज, लेकिन मैं घर का यूज करूँगी, मतलब कि कलर भी देख लो वही आ रहा है, और घर ये वाली बनी हुई घर की भी वही सेम कलर है, तो घर की हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में ऑलवेज फ्रिज में मेयोनीज रहेगी ही, तो फटाफट तैयार कर लेंगे, फ्रिज क्रीम तो रहती ही है, बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार ट्राई करके देखना। ये हमारा हैवी सा एक बर्गर तैयार हो गया, ऊपर से चाट मसाला और थोड़ी सी काला नमक स्प्रिंग कर लेंगे, थोड़ी सी और चटनी स्पाइसी के लिए, थोड़ी टोमेटो सॉस, थोड़ी हरी चटनी, जैसा टेस्ट है ज़्यादा डाल सकते हैं, ये अपने ऊपर है। चलो ये एक तरह से हो गया है मेयोनीज का हैवी एकदम नाश्ता हो गया, चटपटा हेल्दी। अब दूसरा हम तैयार करेंगे, जो बन तैयार करेंगे बर्गर, एक बन लिया वो हो गया ग्रेटेड चीज का, एक तो मेयोनीज तैयार किया, अब दूसरा हो गया ग्रेटेड चीज का, उसको भी हम इसी तरह से फिल कर लेंगे सारी चीज़ें, चटनी दोनों चटनी हो गया, सब्जियां हो गई सारे, पनीर हो गए, बच्चों को बाहर की चीज़ें बहुत ही पसंद है, और अचानक क्या होता है ना कि बाहर जाना है तो चलो भाई हेल्दी भी हो गया, घर में ब्रेड भी रहते हैं चाहे बन भी रहते हैं कोई भी चीज़, इसको हम लोग सैंडविच की तरह भी इस सारी चीज़ें बना होता है ना फ्रिज में तैयार रहा है तो चलो यूज़ कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, एक हैवी नाश्ता हो जाता है ये हमारा। टोमेटो सॉस, ग्रीन चटनी, एक बार नीचे एक बार ऊपर, क्योंकि टेस्ट आ जाते हैं, इतने सारे फिलिंग हुए हैं सब्जियों का। इस तरह से दो तरह के हमारे चीज़ का यूज़ हो गया है इस बर्गर में, ये ग्रेटेड चीज़ है बहुत सारा, लेकिन ये अभी ये नहीं हुआ है, मेल्ट नहीं है, तो इसको हमें मेल्ट करना है अभी इसको, तो इस तरह से तो ये मेल्ट होगा नहीं, इसके लिए क्या करना होगा हमें फिर से पैन में इसे रखना पड़ेगा 5 मिनट के लिए, फ्लेम को कम करके, क्योंकि ये डीप फ्राई हुआ है, सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने के लिए हम 5 मिनट एकदम कम फ्लेम करके, क्योंकि इससे जल जाता है ब्रेड, रख देंगे और हमारा चीज़ इससे मेल्ट हो जाता है। सारी चीज़ें हैं हमारी तैयार ऑलरेडी, और इस तरह से हमारा दो तरह का बर्गर तैयार हो जाएगा, चीज़ एकदम मेल्ट होके बाहर हो रही है, देख रहे हो पक गया है। इसका एंजॉय कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा दो तरह का बर्गर, बहुत ही आसान तरीके से।